मुखौटा का बात नहीं है, मुखौटा के साथ में ऐसे ही निकालने का जो प्रोसेस है ना वो ऐसा ऐसा पागल कर दो हम लोग। चल के जाते तो मैं आ जाऊंगी ऑटो में और ये साइकिल चला के आ जाएंगे। साइकिल की आवाज अजीत का दिल आ गया इस पे। चलो ले गए गए। काट लिया तो कुत्ता पागल हो जाएगा। तो ये हमारा नॉनसेंस स्टूपिड। ये लो पकड़ो, ये ऐसे ऐसे करो व्लॉग। आप व्लॉग करो जा, लेट मी डू 0.5 आज। अच्छा ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर है ना अजीत, यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और क्या शुरुआत है आपके पास है व्लॉग बोलो। आज संडे है, संडे का दिन है, व्लॉग की शुरुआत ऐसे हो रही है, अब्रप्टली हो रही है। क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं हम लोग बताएंगे आपको अजीत विस्तार में। ये लो मैं रेडी होती हूँ। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि साइकिल लेने का है, मेरे लिए साइकिल लेनी है, गरिमा के लिए साइकिल है ऑलरेडी जो वो चलाती है, निष्ठा की साइकिल। हाँ निष्ठा की साइकिल, शी इज वेरी वेरी कंसिडरेट, शी इज वेरी रीयूजेबल थिंग्स एंड एवरीथिंग। हाँ तो फिर इसी के लिए बात हो रही थी। फिर बाद में हेलमेट लेना है, चेन लेना है और क्या, बस मेरा हेलमेट, आपका हेलमेट, हाँ। का हेलमेट मेरे लिए, हेलमेट लेगा कि नहीं वो भी पता नहीं। ए, यू वांट अ हेलमेट? ही विल से यस ना, ही व्हेन ही विल से नो। फॉर साइकिल उसी पे झगड़ा हो गया था कि कितना मेरा झगड़ा हो गया था ऑब्वियसली। हाँ और किससे झगड़ा हो गया मेरा, आपको पता है, आप लोगों को पता है गाइस, हम लोग झगड़ा करते हैं, लोगों को लगता है कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, एंड स्पेशली लोगों को लगता है कि आप तो मुंह से आवाज निकलती ही गलत है। दैट इज नॉट सो ट्रू। नहीं नहीं, दैट इज नॉट, शो माय फेस, दैट इज नॉट सो ट्रू। इनके मुंह से आवाज मतलब ऐसी आवाज निकलती है ना कि पूरे बिल्डिंग की ना नींव हिल जाएगी, ऐसी आवाज। और कुछ और कुछ तो मैं संभावना सेट का ब्लॉग देख रही थी, उसमें जो से वो जिस तरह से झगड़ा करते थे ना, वो मैं उनका सेम अभी एक आर्गुमेंट हुआ था दो तीन लास्ट वीक हम लोग, उसमें जो तरीके से संभावना और अविनाश झगड़ा कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, मतलब इट वॉज नॉट अ झगड़ा बट आर्गुमेंट, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं आज करते हैं। और सेम टॉपिक्स पे होती है, सेम टॉपिक में, सेम टॉपिक्स पे। अभी देखो ना ये जो है ना ये चीज यहाँ पे, ये वाला अपना बाथरूम मैट्स है, ये दो हफ्ते से इधर पड़ा है। हाँ और मैं कब से बोल रहा हूँ कि क्या करना है इसका, नहीं धुलाने का है, क्या करना है मेरे को पता नहीं। फिर उसके बाद में है ना ये आके मेरे को बोलती है कि रख दो इधर ही। फिर मैं बोला इधर मतलब किधर, फिर यहाँ पे रखा तो बोलता है इधर क्यों रखा, मतलब वहां पे रखेगा तो वहां पे रखा हुआ है वैसे ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्यों रखने का जरूरत है। फिर उसके बाद मैंने दो मिनट बोलती है इसका जो मुखौटा है ना मैं से निकालूंगी, तो मुझे वो इतना बढ़िया लगा कि हाँ इनका मुखौटा मैं भी निकालूंगी। नीचे देखो गाइस मैं वही बता रहा, नहीं इधर शी इज अ क्लास, वो तो ऑब्वियसली, बट एज अ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ आई थिंक एवरी रिलेशनशिप में ऐसा आर्गुमेंट होता है। मुखौटा का बात नहीं है, मुखौटा के साथ में ऐसे ही निकालने का जो प्रोसेस है ना वो ऐसा ऐसा पागल कर दो हम लोग को कि हम लोग का मुखौटा का बात ही नहीं है, हम लोग एक्चुअली में ऐसे हो जाए। क्या बोले तो मैं बोला ऐसा जो मुखौटा है ना, मुखौटा बात नहीं है वो, हम लोग ही ऐसे है, मगर हम लोग को इतना बोल के चैंग 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 करके ना हम लोग का ये पागल कर दो और फिर उसमें वैसे पागल हो जाए हम लोग। फिर हम लोग फिर उसके बाद में ओम शांति कैसे करके शांत हो जाते हैं। देखिए हम लोग गृहणियां हैं, हमारा मेन काम ये है गृहणी का कि पैसे बचाए। अगर कोई चीज में ज्यादा पैसे लग रहे हैं और वो चीज कम में आ सकती है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बट आप लोगों को अगर नहीं महंगा ये अच्छा चीज लेने का रहता है ना हमेशा, क्यों खाली बोल रहे महंगा और सस्ते में जाने का, फिर बाद में बोलते हैं अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो वो प्रॉब्लम है, दो साल हुआ कि नहीं, मैं वो चीज देखता हूँ जो 10-15 साल तो चले, वो भी नहीं ये 2 साल में अच्छे नहीं लग रहे, कलर फेड हो गए, 10-15 साल चलो हेल्थी को मिलेगी नहीं, तो वो साइकिल है दूध वाली भैया की साइकिल। आपका चप्पल इसके गरिमा, गाइस मैं बता देता हूँ, गरिमा के पास में 28 पेयर्स ऑफ शूज थे, 200-300 करके। पहले हाँ नई शादी, मैं बोलता था अरे ये क्यों ऐसे ले रहा, मेरे पास गिन के ऐसा 3 या 4 रहेंगे, 4 बहुत हो गया, 4 भी
दो या तीन रहते थे जो हम लोग मैं हमेशा यूज करता था और वो मैं ना इसके लिए ना हम लोग अलग से ब्लॉग बनाएंगे आपका दिल अजीत के दिल की दुख जो है वो शायद आप कर लेना अलग से ब्लॉग में। अभी हमको जाना है, वी आर गेटिंग लेट टू गो टू बाय योर साइकिल द मोस्ट अवेटेड शॉपिंग ऑफ द ईयर। एक्चुअली प्लान ये था कि हम उनको साइकिल लेंगे नेक्स्ट ईयर, बट वो नेक्स्ट ईयर मैंने कहा कि हम बाहर जाने वाले हैं, जब घूम के आ जाए साइकिल ले। और फिर मैंने इनको बोला कि अभी मौसम अच्छा है, विंटर वेदर चल रहा है, साइकिल ले लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। हमेशा 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 विंटर आता नहीं है वैसे, यही साल पर्टिकुलर साल में साइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए? साइकिल चाहिए मेरे को। चलो चाहिए तो चलो फिर गाइस बाय। और एक इधर आके रुक गई थी बड़ी वाली जो रहती है ना ट्रक, वो तो हमारा झगड़ा हो गया है शांत और हम लोग कल जाने वाले थे कार में, फिर हम डिसाइड किया कि चलो कार से नहीं जाते हम लोग, पैक चल के जाते, तो मैं आ जाऊंगी ऑटो में और ये साइकिल चला के आ जाएंगे। तो अजीत जो है ये पकड़ो ना बेबी, मेरे को हाथ दुख रहा है। तो और गाइस वैसे मुझे चलना बहुत पसंद है, चलना आई लव टू वॉक, लव टू साइकिल, बस खाली जो है वो आजू बाजू का जो ना वातावरण जो है वो सपोर्टेड नहीं होता, चल नहीं पाती हूँ। चल चलो ऑटो पकड़ते अच्छा। नहीं नहीं यार हमको ना गैस भी चेक करनी है, तो हमारी जो गैस का स्टोव है उसके एक बर्नर चलता नहीं है, एक बर्नर जो है बड़ा वाला बर्नर वो ऐसे ऑफ धीमा करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रंट कैमरा वॉज नॉट राइट था, तो हमारा बर्नर जो है वो जो हमको गैस में सोच में नहीं गैस स्टोव वो नया या जो ऑलरेडी है उसको ठीक करो, क्योंकि हमारा बहुत बहुत अच्छा है, बस दो तीन चीज़ें हैं जो ठीक करानी है और कुछ 1500 खर्च होने वाला उसमें, तो हम लोग गैस स्टोव का बर्नर जो है वो ठीक करा लेंगे, क्योंकि नया रहने आएंगे तो अराउंड 4,000-4,500 जगह आएगा शुरू होगा। यस तो ठीक करा लेंगे, तो वो भी काम कर लेंगे आते आते, आज संडे है कर लेंगे, पता नहीं मेरे को वो रहेगा कि अभी शाम नहीं हुई है तो ट्रैफिक कम रहेगा सब जगह पे, एक बार 6 बज जाएंगे ना यहाँ पर मुंबई में तो बहुत ट्रैफिक होता है, फिर चलना यस यस अजीत How much you love me? बहुत ज़्यादा। अच्छा? आवाज़ नहीं निकल रही गले से भी? ऐसे बढ़िया आवाज़ निकल रही है? रिक्शे में बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ आ रही है इसके लिए। आ गए हैं हम रास्ते पे। रास्ते का माल सस्ते पे। सॉरी। अपना बात करो। अभी हम जा रहे हैं बस यहाँ पर दुकान है। वहाँ जा रहे हो सामने मेट्रो स्टेशन है। ये देखिए। ये यहाँ पर लाइन से दुकान साइकिल की। यहाँ पर आ गए अजीत अंदर ले रहे हैं साइकिल, देख रहे हैं साइकिल, देखिए पीछे अजीत है और पसंद करेंगे साइकिल की आवाज़। आप फ्लाई ओवर जा रहे हो, अप हिल जा रहे हो, डाउन हिल जा रहे हो, तो उसमें गियर काम में आता है, हम लोग तो इसमें फ्लाइट में चलाने वाले साइकिल का ट्रायल ले रहे हैं भैया अजीत, अलग अलग साइकिल सब चला चला के देख रहे हैं। सेकंड पे ही चलता रहता है यहाँ पे जो है, चला रहे हैं गियर वाली साइकिल, टर्न भी नहीं कर पाऊँ ऐसे, हाँ टर्न कर लूँ कितना मैं, चेंज करो गियर होगा नहीं ना यहाँ पर चेंज, राइट वाले से होगा चेंज। मैं इनको बोल रही हूँ गियर वाली ट्राई करो, अब ट्राई करें गियर वाली। अभी सा ये तो नया आया है बट जस्ट अभी आए हैं, उससे पहले फैंटम है। अजीत का दिल आ गया इस पे, और कोई कलर है इसमें आके मेरा ही मन कराया, मैं भी टाइम यही लेती हूँ, पता है मेरे को। बहुत बुरा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छी है, मेरा हाथ बैठा हुआ है ना, ये बोल दिया चलता है, और इससे तो ब्रेकिंग है ना, अब चलाएंगे ना जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे ठीक हो, तो वो सब में कैसा ऑल ब्रेक रहता है, ब्रेक यहाँ पे मारे तो वहाँ तक टूटेगा, ऐसा ना हो कि ये ऐसा ब्रेक मारे और सीधा साइकिल से इधर इधर रहे, ये इधर होने के बदले ये इधर रहे, ऐसा यू नेवर नो बाबा, मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है। हाँ फिजिक्स
चलो बाजू हट जाओ और बड़ा वाला भोपू लगाने का इसके साइरन कि आने के लिए कर गया ये देखो ये हाँ ये बात चलो भाई चलो हाँ हाँ ले गई गए 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 अरे बाबा ऐसे रगड़ते रगड़ते चलाने वाले पूरे रास्ते टर्न लिया आपने